हां जी एंड वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर ग्रेट एंड एक्साइटेड क्योंकि कल क्रिकेट वापस आ रही है। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज का पहला मैच साउथहैम्पटन में शुरू होने जा रहा है और मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरी आपको आवाज़ से पता चल ही रहा होगा क्योंकि स्पेशली 3-4 महीने से क्योंकि COVID-19 और पेंडेमिक की वजह से सब कुछ ही बंद हुआ हुआ था, नॉट ओनली क्रिकेट लेकिन अस एज क्रिकेट फैंस जब वैसे ही घर पे बैठे हों क्वारंटीन में और उसके बाद क्रिकेट भी ना हो देखने को तो फिर काफ़ी ज़्यादा बोरियत हो जाती है। एनीवेज क्रिकेट इज रिटर्निंग, आई एम एक्साइटेड। अभी चलाते हैं इंट्रो, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। हाँ जी, तो कल दोपहर 3 बजे अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम इंग्लैंड वर्सेस वेस्ट इंडीज का पहला टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है एंड इट हैज ऑल द इंग्रेडिएंट्स टू बी अ वेरी एक्साइटिंग टेस्ट सीरीज। दोनों टीमें आई वुडंट से आर एट द बेस्ट, दोनों स्क्वाड्स इतने अच्छे नहीं है जितने अच्छे हो सकते हैं, बट स्टिल द क्वालिटी दैट बोथ दीज टीम्स आर ब्रिंगिंग मुझे लगता है थोड़ी सी इक्वल है इस दफा और वेस्ट इंडीज डू हैव अ चांस टू probably take this series. 2013 से इंग्लैंड अपने घर पे कभी सीरीज नहीं हारा और 1988 से आई फील वेस्ट इंडीज इंग्लैंड में सीरीज नहीं जीता, बट दिस इज देयर चांस। इंग्लैंड की जहाँ तक बात की जाए जो रूट नहीं खेलेंगे जो उनके टेस्ट कैप्टन हैं क्योंकि ही इज एक्सपेक्टिंग द बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड, तो उनकी जगह बेन स्टोक्स कैप्टन होंगे और बेन स्टोक्स एज यू ऑल नो इज अ वंडरफुल प्लेयर। 2019 जो था उनका इस तरह का साल मैंने किसी स्पोर्ट्स पर्सन का नहीं देखा। ही वॉन इन द वर्ल्ड कप एशेज में उनकी ब्रिलियंट परफॉर्मेंसेस थी विद द बैट एंड विद द बॉल, ही इज़ अ ब्रिलियंट ऑलराउंडर, बट आई डू फील कैप्टनसी प्रेशर में कुछ गड़बड़ ना हो जाए क्योंकि फ्रॉम वॉट आई सीन मैंने जितनी भी क्रिकेट देखी है और उससे पहले भी ऑलराउंडर्स आंट सच गुड कैप्टन्स। सिर्फ मेरे दिमाग में 3 अच्छे कैप्टन आते जो कि ऑलराउंडर थे, एक तो ऑब्वियसली इमरान खान, दूसरे कपिल देव और स्टीव वॉ। इसके अलावा बड़े बड़े ऑलराउंडर सच एज जॉक कैलिस, फ्रेडी फ्लिंटॉफ, इयान बॉथम, इवन सर गारफील्ड सोबर्स, ये कैप्टनसी में फेल ही हुए हैं अकॉर्डिंग टू मी क्योंकि जितने बड़े कैलिबर के ये प्लेयर्स थे इन्हें बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए था एज अ कैप्टन लेकिन नहीं कर सके। खैर एनीवेज, उसके बाद जो इंग्लैंड का जो वीक पॉइंट है वो उनकी बैटिंग लाइनअप है। बड़ी वीक बैटिंग लाइनअप इसलिए क्योंकि उनके ओपनर्स है रोरी बर्न्स और डोमिनिक सिबली जो कि इतना नहीं खेले हुए। उसके बाद उनके मिडिल ऑर्डर में हैं ऑली पोप, जैक क्रॉली, जो डेनली, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर, तो इतने स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप नहीं लगता। ये मोटर बाइक की आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा अगर आई है तो जिस तरह अजहर अली ने बोला था कि पाकिस्तान इंग्लैंड के बैटिंग लाइनअप को टारगेट करेगा, सो वेस्ट इंडीज कैन डू द सेम। दे हैव सम गुड फास्ट बॉलिंग यूनिट जो कि है केमा रोच, शैनन गेब्रियल, जेसन होल्डर हिमसेल्फ और पॉसिबली अलजारी जोसेफ, अगर विकेट के अकॉर्डिंगली अलजारी जोसेफ खेलते हैं, या रहीम कॉर्नवॉल जो कि एक स्पिनर हैं और ही इज बीस्ट, मारते भी बहुत हैं और बॉलिंग भी बड़ी अच्छी कराते हैं, एंड फॉर मैन ऑफ हिज साइज नो डिसरिस्पेक्ट लेकिन ही प्लेज ब्रिलियंटली। और इंग्लैंड की जहाँ तक बॉलिंग लाइनअप की बात की जाए, जिमी एंडरसन एंड स्टुअर्ट ब्रॉड आर गोना प्ले व्हाट आई फील एंड द थर्ड विल बी जोफ्रा आर्चर, दैट इज अ फियरसम बॉलिंग लाइनअप। तो वेस्ट इंडीज की जो बैटिंग है दैट विल हैव टू बी वेरी सॉलिड अगेंस्ट दीज थ्री जो के हैं उनके। एक्चुअली शेमरॉन हेटमायर को काफ़ी मिस करेंगे मेरे लिहाज से वेस्ट इंडीज, वो उनके बहुत सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है। उसके अलावा उनकी जो ओपनिंग है उसमें है ग्रेग ब्राथवाइट, ही आई फील इज़ अ वेरी गुड प्लेयर। उसके बाद शे होप वन ऑफ माई फेवरेट प्लेयर्स आउट देयर और रॉस्टन चेज, ये इनकी बैटिंग लाइनअप है। जेसन होल्डर की मैं बात करूँ, ही इज़ प्रॉबली वन ऑफ द बेस्ट ऑलराउंडर्स इन टेस्ट क्रिकेट, प्रॉबली द बेस्ट। उन्होंने रिसेंटली जो इंग्लैंड की गेंस सीरीज हुई थी वेस्ट इंडीज़ में, वेस्ट इंडीज़ वर्सेज इंग्लैंड की, उसमें उन्होंने डबल सेंचुरी भी मारी थी, ही टेक्स विकेट्स अप फ्रंट, और वसीम अकरम में बाकी ही टेक्स विकेट्स अप फ्रंट्स थे, और ही इज अ गुड कैप्टन इज वेल फॉर वेस्ट इंडीज़। सो इट्स गोना बी एन एक्साइटिंग सीरीज। थोड़ी सी चेंजेस हैं क्रिकेट में इस दफ़ा क्योंकि आपको पता ही है पेंडेमिक की वजह से, एक तो सलाइवा नहीं यूज़ कर सकते बॉल शाइन करने के लिए, सो द बॉलर्स विल हैव टू डू इट विद देयर स्वेट। उसके बाद विकेट लेके आप तालियां नहीं मार सकते, खैर वेस्ट इंडियन को इतनी प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो यूजली डांस ही करते हैं।
खैर, और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है, क्राउड नहीं होगा, थोड़ा सा शायद बोरिंग हो जाए एज अ व्यूअर, लेकिन आई कांट कंप्लेन. क्रिकेट हैज टू कम बैक, क्रिकेट एंड COVID-19 हैव टू को एग्जिस्ट एट दिस मोमेंट, और होपफुली एवरीथिंग विल बी सेफ. क्योंकि सुनने में ये आ रहा है सेकेंड स्पाइक के इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा चांसेस हैं. लेस्टर उनका एक शहर है, वो ऑलरेडी लॉकडाउन में जा चुका है, और आपको पाकिस्तान के भी हालात पता ही हैं. प्रॉबेबली इधर भी ईद के वक्त सेकेंड स्पाइक आएगी, लेकिन होपफुली ये सीरीज भी होगी, पाकिस्तान और इंग्लैंड की भी सीरीज होगी, सेफली होगी, कोई इशूज नहीं होंगे, और हम एज क्रिकेट लवर्स इन्जॉय कर सकेंगे इसे. खैर, जैसे जैसे सीरीज और मैचेस आगे बढ़ते रहेंगे, मैं और वीडियोस निकालूंगा आप लोगों के लिए इंशाल्लाह. और अभी खैर मुझे इजाज़त दें, अब आप लोगों का टाइम है, आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और शेयर भी कर दें. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़.